दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब पेमेंट होल्ड के बारे में। जैसा कि दोस्तों इस समय ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है, काफी भाइयों ने मेरे पास कमेंट किया कि भाई मेरा पेमेंट होल्ड हो चुका है और मेरे बैंक अकाउंट में अभी तक रिसीव नहीं हुआ, डेट भी कंप्लीट हो चुका और मेरे पास मेल भी आया है यूट्यूब पेमेंट होल्ड करके, कुछ इस प्रकार से मेल भी आया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हमें बताओ। अगर दोस्तों आपका पेमेंट अगर 23 तारीख हो गई या फिर 24 हो गई, आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। अगर आपका पेमेंट होल्ड हो चुका है यूट्यूब, तो 100% आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों इस भाई का देखिए यहाँ पर रेवेन्यू कितना बन चुका है, लेकिन इस भाई का पेमेंट अभी तक होल्ड है। तो होल्ड, जब भी पेमेंट होल्ड हो जाए सिंपली आप गूगल क्रोम में जाइएगा। गूगल क्रोम में जिस भी जो भी एडसेंस आपको बना आपने बना कर रखा है उसे आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर गूगल एडसेंस आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे, डायरेक्टली आप आ जाएंगे अपने एडसेंस पे। नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी का ये प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ऐड करके, यहाँ पर अकाउंट ऐड करके जो है आप आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से, अगर मेरा पेमेंट होल्ड हो गया है किस तरीके से आएगा, क्या प्रोसेस होता है, आपको नहीं समझ पे आ रहा है कैसे इसे सॉल्व करें, तो मुझसे करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसके लिए सिंपली आप मुझसे संपर्क करेंगे टेक वाइटी जो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। टेक वाइटी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप मुझसे जैसी सॉल्व जो है कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद जैसे ही मुझसे मैसेज करते हैं आप फॉलो करके, उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो आपका यूट्यूब का एडसेंस का, कोई भी प्रॉब्लम हो A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि दोस्तों इस भाई का पेमेंट होल्ड हो चुका है, यहाँ पर देखिए $133 इनका अभी तक फंस चुका है। तो ये प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप जो है एडसेंस में जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके नहीं रखते, या फिर जो है यहाँ पर आप अपना टैक्स इन्फो नहीं फिल करके रखते हैं। तो उसको देखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एडसेंस यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट इन्फो पे चले आएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको समझ में नहीं आ रही पेमेंट वाली बात है आप उससे करा सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपका पेमेंट आया है और पेमेंट होल्ड हो रहा है तो इस प्रोसेस को फॉलो करिए, नहीं तो मुझसे करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया देयर आर इशू योर पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आप यानी कि पेमेंट अकाउंट में इशू आ गए जैसे आप पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे। नहीं तो ऊपर भी शो होता रहता है कि आपके पेमेंट अकाउंट में क्या दिक्कत आई, वो भी से होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेक में दिख रहा है कि आइडेंटिटी जो है यहाँ पर आप फ्यूचर पेमेंट के लिए टैक्स इनपुट फिल करना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चेक, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्यूचर पेमेंट लेने के लिए यहाँ पर सबमिट करना होगा टैक्स इन्फो, इसे भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देयर आर इशू योर पेमेंट अकाउंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा, टू मेक योर श्योर पेमेंट इंक्लूडेड नेक्स्ट पेमेंट साइकिल टैक्स इन्फो, यानी कि जो ऊपर दिखा रहा था यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अगर नीचे दिखाए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज फ्यू डेज, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दिखा दे, यहाँ पर वीडियो दिख रही है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अगर प्रॉब्लम है तो नहीं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, अपडेट करने के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देना है। चलिए टैक्स इन्फो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि प्लान टेकिंग, यानी कि जो आप बिफोर स्टार्ट करने से पहले आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, आपको यानी कि टाइम मिलता है उसी टाइम में आपको इसे फिल करना होगा, और जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आगे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, चलिए स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार वेरीफाई करना होगा पासवर्ड डाल के। चलिए मैं आपको पासवर्ड डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों वेरीफाई जैसे कर लेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टैक्स इंडिविजुअल दिख रहा है, नॉन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंडिविजुअल पे आप क्लिक कर देंगे, इंडिविजुअल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जैसे करेंगे तो यू आर सिटीजन आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए यू आर सिटीजन रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट, आप वहाँ के रहने वाले नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट W8 फॉर्म टाइप ओपन हो जाता है, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सारा कुछ शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है तो प्रोसेसिंग होने देते हैं, इसके बाद आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा। इसके बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यहाँ पर नेम दिख जाए तो आपको यहाँ पर दिख रहा है DBA, यहाँ पर यानी कि DBA दिख रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, DBA पे आपको यहाँ पर ये आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शनल, यहाँ पर सिटीजनशिप आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है।
चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इंडिया। तो इंडिया देखिए यहाँ पर है, सेलेक्ट मैंने कर लिया। यहाँ पर फॉरेंटीन में आप क्या डालना है, यहाँ पर फॉरेंटीन में आपको, यहाँ पर ऑप्शनल है फॉरेंटीन, लेकिन जो ITIN है यहाँ पर आपको अपना पेन कार्ड, यहाँ पर पेन कार्ड डालना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फॉरेंटीन, यहाँ पर आपको पेन कार्ड डालना, नीचे वाला ऑप्शनल है, ठीक है। ये यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना पेन कार्ड नंबर। चलिए मैं पेन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर अपना पेन कार्ड डाल लेंगे फॉरेंटीन वाले ऑप्शन पे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नीचे वाला आपका ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट रेजिस्टेंट एड्रेस पूछेगा, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा कुछ डिटेल आ जाता है, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं, मिलेगी एड्रेस, सेम एड्रेस परमानेंट, यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं और इसके बाद और जहाँ पर आप काम करते हैं आपका सेम है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आगे का प्रोसेस समझिएगा ध्यान से। सिंपली अब आपको नीचे वाले ऑप्शन पे यस कर देना है। यहाँ पर यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि देखिए, यू आर क्लेमिंग योर रेजिस्टेंट रेट विड्रॉलिंग अंडर टैक्स ट्रेटरी, यानी कि आप टैक्स ट्रेटरी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, नीचे वाला जो बॉक्स दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का, इस पे बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो जो बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा उसी उसी बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, इंडिया जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आगे का देखिएगा, स्पेशल रेटिंग एंड ये करके ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अदर जो कॉपीराइट रियल्टी दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आर्टिकल यहाँ पर दिख रहा है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इस पर क्लिक करके यहाँ पर 12 को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 50% कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस पर भी एज अ टैक्स रेजिस्टेंट पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आर्टिकल पैराग्राफ पे क्लिक करके यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 7 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्या सेलेक्ट करना है वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 0 पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो 0% है इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एज ए टैक्स रेजिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, मोशन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और टीवी रियल्टी पे। इसके बाद आर्टिकल पैराग्राफ इस पे क्लिक करके 7 पे क्लिक कर देंगे, 12 पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर वी होल्डिंग रेट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंपली 15 पे क्लिक कर देना है, 15% पे, ठीक है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही कर देंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आगे का प्रोसेस में आप देखिए क्या क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पर इसके बाद आपको आता है ऑप्शन टैक्स आइडेंटिटी का सेक्शन, इसको आपको सिंपली ने कर देना है, यहाँ पर नो कर देना, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पर इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, तो यहाँ पर आ रहा है कि डिलीवरी एग्रीमेंट, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें ये पूछा जाता है कि आपका जो भी हो रहा है पेपरलेस हो रहा है, तो इस पर एक्सेप्ट करके इसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर गो टू, यहाँ पर आप चाहें तो गो टू मेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आपको बताते हैं, सबसे पहले इसका मतलब यही है कि आप जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस एक्सेप्ट कर लेंगे बॉक्स पे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स बाई मेल पे क्लिक करके इसके बाद नेक्स्ट पे आप चाहे तो इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे ही पे रहने दीजिएगा, ठीक है। इस पे जैसे ही रहने दीजिए, गो टू पे डॉक्यूमेंट बाई मेल नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा आपको वो हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, इस पे क्लिक कर देना, आई कन्फर्म डेट रिसीव, इस पे डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लास्ट आपको ओपन ऑप्शन ओपन हो जाता है, लास्ट ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते, ये जो अंडर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है योर सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये ऊपर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नेचर आपका ले लेगा। सबमिट पे बटन पे आप क्लिक कर देंगे, सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आगे देखिए आपका 100% यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, आपका यहाँ पर
यूएस स्टेट का, यूएस टैक्स का इन्फो जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्रूवल भी मिल चुका है, ठीक है, ये अप्रूवल भी मिल चुका है। और इसके बाद आपका जो पेमेंट होल्ड हुआ था, ये पेमेंट भी होल्ड नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये पेमेंट आ जाएगा। यानी कि जब भी आपका कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आए पेमेंट होल्ड होने का, तो आप इस तरीके से टैक्स इन्फो फिल करके पेमेंट को ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे या फिर इसे डिसमिस कर देंगे, इस पर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ हट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पेमेंट रिसाइकल डेट है आपका 22 को, आपका पेमेंट होल्ड का मैसेज आ गया, इसके बाद भी 25-26 को आप फिल कर देंगे इसे, तो आपका ऑटोमेटिक जो है 28 तक पेमेंट आ जाएगा, 30 तक पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अप्रूवल अप्रूवल सब कुछ मिल चुका है, यहाँ पर पेमेंट इन्फो में जाकर यहाँ पर यूट्यूब पे एडसेंस पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप यूट्यूब पेमेंट होल्ड वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं, यानी यूट्यूब पेमेंट किसी भी प्रकार का होल्ड ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप टेक वाइटी ज्ञान को सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो उसे भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।